हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोनालीज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन और मैं भी बढ़िया हूँ। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल व्लॉग है हमारे लिए और आज जो है अच्छा मैं बता देती हूँ है क्या। वैसे तो टाइट वो आपने थंबनेल एंड टाइटल से देख ही लिया होगा, बट आज मैं बता देती हूँ। हमारे यहाँ घर पर दो दो डबल डबल खुशी है। सो फर्स्ट ये है, आज तो है राधा अष्टमी, सो हैप्पी राधा अष्टमी टू ऑल। मेरा व्लॉग लेट जाएगा थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, हैप्पी राधा अष्टमी टू ऑल। और सेकंड ये है कि पिछले साल आज ही के दिन हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आए थे। सो आज लड्डू गोपाल को एक साल हो गया है, सो हम उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हमारे लिए डबल डबल खुशी है। पिछले साल हम लाना तो जन्माष्टमी के टाइम चाहते थे, बट जन्माष्टमी में ड्यू टू सम रीज़न हम नहीं लेकर आ पाए थे। सो हमने एक अच्छा शुभ मुहूर्त देखा था और राधा अष्टमी से अच्छा मुहूर्त तो और क्या ही हो सकता है। तो पिछले साल हम राधा अष्टमी के दिन उनको लेकर आए थे अपने घर पर। तो आज डबल डबल खुशी में हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सेलिब्रेशन में ये है कि मम्मी ने कीर्तन रखा है घर पर, तो कीर्तन हो जाएगा और हम लोग केक कटिंग भी करने वाले हैं। सो केक भी हम लोग लेकर आ चुके हैं और छोटी मोटी सेलिब्रेशन है। सो लेडीज़ वगैरह जो हैं हमने बुलाई हैं, तो वो आ जाएंगी अभी थोड़ी देर में। और इसके बाद अभी जो आप व्लॉग देखोगे ना, उसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जो सुबह से हमने क्या क्या किया है। सो हमने सबसे पहले तो मैंने लड्डू गोपाल जी का मेकअप किया था, बिकॉज एक साल हो गया था ना, तो थोड़ा सा इनका मतलब जो मेकअप था वो निकल गया था। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा स्पेशल अच्छा सा मेकअप कर देते हैं। सो वो भी व्लॉग होगा, वो आप आगे देखेंगे। एंड थोड़ी बहुत हमने यहाँ पर अपने बैलून्स वगैरह भी लगाए हैं। सो वो वाली भी डेकोरेशन, वो वाली भी वीडियो अभी आप लोग आगे देखना। सो ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, और जो भी सेलिब्रेशन हम लोग करने वाले हैं वो सब आप अभी देखेंगे आगे। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें कि हम इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हमारे लिए तो इनका बर्थडे आज ही है, बिकॉज आज ही के दिन वो हमारे घर आए थे। सो मैं अभी आप लोगों को एक बार जाके दिखा देती हूँ कि कैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और आज हमने लड्डू गोपाल जी को ना राधा का रूप दिया हुआ है। सो राधा बनाए हैं हमने, बिकॉज राधा अष्टमी है ना, तो हमने सोचा कि उनको राधा की लुक देते हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। सो ये रहे हमारी राधा रानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और कुछ इस तरह से श्रृंगार किया है हमने इनका। और ये झूले पे बैठे हैं, यहाँ पर विराजमान है, झूले पे रखा हुआ है हमने। और हमने जो बैलून्स लगाए थे वो निकल के आ चुके हैं नीचे, तो मुझे फिर से लगाने पड़ेंगे। सो अभी ये रहा। उसके बाद जब लेडीज़ आती हैं तो थोड़ा बहुत संगीत वगैरह होगा, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये सूट पहना है। बहुत गर्मी लग रही है लेकिन, सो बालों को देखती हूँ, बंद कर लूँ, पोनी कर लूँ, देखते हैं वो सब अभी थोड़ी देर में। बट मेरा ये सूट है, कैसी लग रही हूँ मैं मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और राधा रानी जो हमने बनाए हुए हैं वो कैसी लग रही हैं वो भी बताना, उनका लुक जो क्रिएट किया है हमने वो बताना कि कैसे लग रहे हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। मम्मी भी रेडी हो चुके हैं और मम्मी कुछ इस तरह से लग रहे हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी सी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज लेडीज़ आने ही वाली हैं, तो फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी हम फाइनल फिनिशिंग कर रहे हैं जो जो ज़रूरत है। सो गाइज़, यहाँ पर मैं कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी का मेकअप। सो होता क्या है ना कि जैसे इनको नहलाते हैं तो रगड़ रगड़ के नहलाते हैं, तो इनका जो मेकअप होता है ना वो परमानेंट तो होता नहीं है, सो वो निकल जाता है। तो मैंने सोचा कि आज के दिन इनको थोड़ा सा स्पेशल लुक देते हैं और इनको और भी ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोशिश तो करी है, मुझे इतना अच्छे से आता तो नहीं है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मेकअप किया है उनका, कोशिश करी है, तो मुझे नहीं पता कि कैसा लुक निकल के आया है। सो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरा फ़र्स्ट टाइम था, उसी चीज़ को ध्यान में रख कर देखना, क्योंकि मैंने सोचा कि अब ट्राई करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर दिखे, और लास्ट में मुझे लगता है कि सुंदर लग भी रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने मतलब ट्राई किया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। सो यहाँ पर ये रहा फाइनल लुक, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और मैंने यहाँ पर राधे भी लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा।
बट एक गड़बड़ मैंने ये कर दी थी कि इनको इसके बाद फिर से नहलाना था। लाइक सुबह तो हमने नहला ही दिया था, बट जैसे कि आपको पता है राधा अष्टमी थी, और राधा अष्टमी को जो है 12 बजे फिर से स्नान किया करवाया जाता है, क्योंकि राधा जी का जन्म जो था वो 12 बजे दोपहर को हुआ था। तो हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को फिर से नहलाया है, और आज हम जो है राधा का इनको लुक दे रहे हैं। सो यहाँ पर जो है दो तीन जो चीज़ें होती हैं उनसे नहलाया जाता है, लाइक दूध होता है, शहद होता है, दही, गंगा जल, इन सब से नहलाया जाता है। तो अभी वही चल रहा है। सो ये सेकेंड टाइम है उनका। इसके बाद हम इनको जो है अच्छा वाला श्रृंगार देंगे, राधा रानी का लुक देंगे इनको। तो आपने वो देख ही लिया होगा पहले, बट जैसे जैसे हमने शुरू जो किया था, हमने सुबह से मैंने वही बता रही थी मैं आप लोगों को। और ये रहा हमारी राधा रानी, ड्रेस भी हमने ब्लू कलर का लाई हूँ, क्योंकि इनको क्योंकि राधा रानी का तो फेवरेट कलर ही ब्लू है। सो मैं लाना तो डार्क ब्लू चाहती थी, बट वो मुझे मिला नहीं, सो मैंने यही वाला लेकर आ गई। और कुछ इस तरह से हमने फाइनल लुक दिया है इनको। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ। सो साथ में मेरा कज़न भी आया था, तो वो भी मेरी हेल्प कर रहा था बैलून्स वगैरह लगाने में। सो यहाँ पर हम बैलून्स भी फुला रहे थे, और साथ में मस्ती भी कर रहे थे बहुत सारी। तो बस यहाँ पर हमने डेकोरेशन कर लिया, और क्योंकि लेडीज़ वगैरह आने ही वाली थी। तो ये हमारा कृष्णा का बर्थडे का केक है। सो आपने सुन ही लिया होगा स्टार्टिंग में कि 1 साल हो गया है कृष्णा जी को, लड्डू गोपाल जी को। तो हमने यहाँ पर केक कटिंग भी करी थी। सो गाइज फाइनली सेलिब्रेशन हो गई है, कीर्तन भी हमने करवा दिया है, और केक कटिंग भी कर दी है हमने, और लेडीज जो है अभी खा पी कर जा भी चुकी है। सो हमने थोड़ा बहुत रखा था खाने के लिए, सो वो भी दे दिया था उनको। फिर अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो देखो वो लड़का है वो जो भाग रहा है यहाँ से, और मुझे व्लॉग एंड नहीं करने दे रहा है। सो वो देखिए वो छुप रहा है वहां पर। चलो ठीक है, अभी मैं अपना व्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ।
देखिए सब आएगा व्लॉग में. मस्ती होती है यहीं पर ही खत्म, और ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी, सो इग्नोर इट. एंड अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.